हेलो एवरीवन, वेलकम टू 11th कॉमर्स बीके लेक्चर। वी आर इन चैप्टर नंबर 9, दैट इज फाइनल अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न। करंटली वी आर लुकिंग एट क्वेश्चन नंबर 15 ऑन पेज नंबर 332। सो लेट अस स्टार्ट। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मनीष एंटरप्राइजेस प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डे। ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, डेबिट का आइटम सबसे पहले ले लेते हैं, कैश इन हैंड एसेट। नेक्स्ट वी हैव ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट, गुडविल, पेटेंट, कैश एट बैंक, ये तीनों आइटम कहां जाएगा? एसेट। नेक्स्ट फ्रेट, पावर एंड फ्यूल, ये दोनों आइटम कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। फर्नीचर एसेट, purchases trading account, mobile charges profit and loss account, factory salary, specifically factory बोला हुआ है, hence it will go to trading। सिर्फ salary दिया होता तो profit and loss, but factory salary trading account, repairs profit and loss, lighting दिया हुआ है तो ये factory में होता है, carriage outward profit and loss। professional charges profit or loss, debtors plant and machinery office equipment, ये तीनों आइटम कहां जाएगा? asset में। carriage inward trading, credit balance capital कहां जाएगा? liability, bank loan liability, bills payable liability, creditors liability, general reserve liability, dividend ये income है, so profit and loss account credit side, interest on FD fixed deposit पे interest मिल रहा है, profit and loss account credit side, sales trading account credit side। एक item इसमें जो नया आया है वो है general reserve। general reserve क्या होता है? बेसिकली एवरी ईयर जो भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करती है उसमें का कुछ हिस्सा कंटिंजेंसीज के लिए या कुछ काम आएगा फ्यूचर में उसके लिए अलग से उसको सेव करती है और उसे जनरल रिजर्व का नाम दिया जाता है। तो हम समझ सकते हैं ये नेट प्रॉफिट का ही एक हिस्सा है जो पिछले 2-4 साल से या कई सालों से उसको जमा किया जा रहा है, तो इस पर भी ओनर का अधिकार होता है। जैसे कैपिटल हमारे लिए लायबिलिटी है क्योंकि कैपिटल ओनर का है, उसी प्रकार जनरल रिजर्व भी ओनर का है, ठीक है? हेंस इट इज आल्सो एन लायबिलिटी। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक 32,000, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। नंबर टू, राइट ऑफ 50% ऑफ पेटेंट। तो जो पेटेंट है, प्लांट एंड मशीनरी है एंड ऑफिस इक्विपमेंट है, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। तो यहाँ पर ऑफिस इक्विपमेंट आ गया, प्लांट एंड मशीनरी आ गया और ऊपर हमें पेटेंट दिया हुआ है, यहाँ पेटेंट पे मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट, रिजर्व फॉर बैड डेट्स इज टू बी क्रिएटेड 5% एंड डिस्काउंट ऑन डेटर 2%। तो डेटर के ऊपर दो एडजस्टमेंट है, एक है न्यू आरडीडी और दूसरा है डिस्काउंट ऑन डेटर, ठीक है? Hence, we will leave 3 lines for 2 adjustment. Number 4, outstanding expenses, mobile charges and freight 500. तो outstanding expense क्या होता है? Concern expense में add होता है, तो mobile charges and freight, इस पर भी adjustment है। Next we have चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो हमारे लिए एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड और दूसरा कैपिटल में ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट, गुड्स ऑफ ₹2,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, सो इट्स अ काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट। अगर एडवर्टीजमेंट हमें दिया होता है ट्रायल बैलेंस में तो उसमें ऐड कर देते, नहीं दिया हुआ है तो हम सेपरेटली लिखेंगे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल और दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा क्रेडिट साइड में।
ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से मनीष एंटरप्राइजेस के बुक में। तो ये हमने फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 15 इन द बुक्स ऑफ मनीष एंटरप्राइजेस। कुछ आइटम्स हमने पहले से फिक्स रखे हुए हैं, ओपनिंग स्टॉक, टू परचेसेस, लेस परचेस रिटर्न, क्रेडिट साइड में बाय सेल्स, सेल्स रिटर्न एंड क्लोजिंग स्टॉक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आप देखेंगे, तो टू ओल्ड बैड डेट्स, एड न्यू बैड डेट्स, एड न्यू आरडीडी, लेस ओल्ड आरडीडी, और बैलेंस शीट में आप देखिए कैपिटल, लेस ड्रॉइंग, लेस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की बात तो नहीं की गई है, यहाँ पर बात की गई है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, सो इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग वी विल राइट कैपिटल, ठीक है, और लेस करने की जगह ये क्या हो जाएगा एड, तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एड करना है, और जो भी प्रॉफिट होगा तो उसे एड करेंगे और लॉस होगा तो लेस करेंगे। असेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक भी हमने मेंशन करके रखा है। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट आइटम। फर्स्ट आइटम आपको दिया हुआ है कैश इन हैंड, वेर इट विल गो असेट साइड। तो असेट साइड में कैश इन हैंड से शुरुआत करते हैं, 5200 आउटर कॉलम, तो कैश इन हैंड 5200 ऑन असेट साइड वी विल राइट। अमाउंट इज 5200 आउटर कॉलम। नेक्स्ट वी हैव ओपनिंग स्टॉक 10,370। ओपनिंग स्टॉक 10,370। नेक्स्ट गुडविल 10,000, सो असेट साइड वी विल राइट गुडविल आउटर कॉलम 10,000। नेक्स्ट इज पेटेंट 4,000, इनर कॉलम में आ जाएगा, ओवर हियर सो पेटेंट्स भी एक इंटेंजिबल असेट होता है, इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन आने वाला है, बट हम उसको इंस्टेड ऑफ डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये इंटेंजिबल है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग डेप्रिसिएशन वी विल राइट रिटर्न ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी इंटेंजिबल असेट होता है हम उसके लिए डेप्रिसिएशन जैसा वर्ड यूज नहीं करते, हम वर्ड यूज करते हैं राइट ऑफ और रिटर्न ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट देखो कैश एट बैंक कितना है 4,400। नेक्स्ट फ्रेट वी हैव 2,500, इनर कॉलम में आ जाएगा, सो ट्रेडिंग अकाउंट में वी विल राइट टू फ्रेट। एडजस्टमेंट मार्क करेंगे, एड आउटस्टैंडिंग, राइट, फ्रेट के बाद, सॉरी फ्रेट वी हैव 2,500, ठीक है, नेक्स्ट पावर एंड फ्यूल 1,500, टू पावर एंड फ्यूल 1,500,
फर्नीचर 12,000, नो एडजस्टमेंट। आउटर कॉलम 12,000। नेक्स्ट वी हैव परचेसेस 35,260, 35,260. So here we will write purchases. Next we have mobile charges. Adjustment hai 3,200. So profit and loss account debit side mein we will write over here to mobile charges 3,200. एंड एडजस्टमेंट मार्क कर देते हैं, एड आउटस्टैंडिंग। नेक्स्ट फैक्ट्री सैलरीज 2,400, नो एडजस्टमेंट। टू फैक्ट्री सैलरीज, आउटर कॉलम 2,400. Next is repairs 800. So P&L account to repairs, outer column 800. Lighting 1,000 कहाँ जाएगा? Trading account to lighting. How much? It is 1,000. After lighting, next we have carriage outward. How much? 360. So we will write over here to carriage outward. Amount 360. Professional charges 1,240. 1,240. Next, debtors 40,000. Two adjustment we have, so we will write over here debtors, inner column 40,000, leave total 3 lines, first one less new RDD jo bhi percentage diya hoga, and next reserve for discount. ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट के लिए हमने स्पेस रख दिया है. नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी 13,700. Plant and machinery 13,700. So इस पे depreciation charge करना है. We will write less depreciation at the rate. After plant and machinery we have office equipment. And similarly, उस पर भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा. तो ऑफिस इक्विपमेंट का अमाउंट है 10,000. इनर कॉलम लेस डेप्रिसिएशन. देन वी हैव कैरिएज इनवर्ड. सो ऑन द ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड ओवर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड टू कैरिएज इनवर्ड्स,
अमाउंट इज 770 आउटर कॉलम, ठीक है। नाउ बैलेंस शीट लाइब्रेरी साइड में फर्स्ट आइटम आ जाएगा कैपिटल, दैट इज 50,000। Then we have bank loan, that is 15,000. After bank loan, we have bills payable, 8,500. Then we also have sundry creditors, amount of creditor is 38,260. Next, general reserve 1,500. We also have dividend, so we will write by dividend on the profit loss account credit side. ठीक है, यहाँ पर dividend आ जाएगा and amount is 2,000. Next we have interest on fixed deposit. Amount is 3,440. Next we have sales, that is 40,000. So you can see trial balance के सारे आइटम फिनिश हो गए, कहीं पर भी हमको रिटर्न्स नहीं दिखाई दिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न्स परचेस रिटर्न के लिए निल, सेल्स रिटर्न के लिए निल। सो आउटर कॉलम में सेम अमाउंट आ जाएगा 35,260 एंड हियर 40,000। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स एडजस्टमेंट पार्ट। सबसे पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक, हाउ मच, 32,000। Write it on the both the side, 32,000 trading account credit side and balance sheet asset side over here, 32,000. ठीक है, done with adjustment number one. Next, write off 50% of patents, depreciate plant and machinery by 10%, office equipment by 20%. तो सबसे पहले patents को देख लेते हैं, patents को बात की गई है 50% राइट ऑफ करने की, सो एट द रेट 50% एंड प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट 10% एंड ऑफिस इक्विपमेंट एट द रेट 20%, ठीक है। तो 4,000 का 50%, हाउ मच इट विल बी, 2,000, आउटर कॉलम 2,000। देन प्लांट एंड मशीनरी का आप कैलकुलेट करेंगे 10%, 13,700 का 10% क्या होगा, 1,370, ठीक है। सो आउटर कॉलम में क्या आएगा, 12,330 एंड ऑफिस इक्विपमेंट का 20%, हाउ मच इट विल बी, 2,000, आउटर कॉलम इट विल बी 8,000, ठीक है। तो ये तीनों जो डेप्रिसिएशन आया है हम यहां पर लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट टू पेटेंट्स रिटर्न ऑफ, हाउ मच, 2,000। देन वी विल राइट टू डेप्रिसिएशन,
अंडरलाइन करेंगे, देन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी पे कितना आ गया था 1370, एंड ऑफिस इक्विपमेंट हाउ मच 2000, ठीक है, सो टोटल 3370. तो ये सेकंड इफेक्ट भी हमने डेप्रिसिएशन का दे दिया, एडजस्टमेंट नंबर टू इज ओवर. एडजस्टमेंट नंबर थ्री, रिजर्व फॉर बैड डेट्स इज टू बी क्रिएटेड 5% एंड डिस्काउंट ऑन डेटर 2%. तो पहले आरडीडी 5% ले लेते हैं हम लोग. तो 40,000 का 5% हाउ मच इट विल बी 2,000. तो नीचे कितना आ जाएगा 38,000. अब 38,000 के ऊपर आप कैलकुलेट करेंगे 2%, दैट इज 760 रुपीज. सो 38,000 माइनस 2% हम करते हैं तो हमें फिगर मिलता है 37,240, ठीक है. तो ये जो न्यू आरडीडी आया था 2000, वी विल राइट ओवर हियर. अब ना इसमें ओल्ड बैड डेट्स था ना इसमें न्यू बैड डेट्स था, तो यहां पर भी टोटल कितना आएगा 2000. ओल्ड आरडीडी भी नहीं है तो आउटर कॉलम में भी आएगा 2000, ठीक है. एंड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, सो वी विल राइट टू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अमाउंट इज 760. ठीक है, डन. सो एडजस्टमेंट नंबर थ्री इज ऑल्सो ओवर. नंबर फोर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मोबाइल चार्जेस 300, फ्रेट 500. सो मोबाइल चार्जेस 300 एंड फ्रेट वी हैव 500. तो यहाँ टोटल आ जाएगा 3000 एंड हियर टोटल विल बी 3500. तो लायबिलिटी साइड लिख लेते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अंडरलाइन कर लेंगे. फर्स्ट आइटम मोबाइल चार्जेस, थ्री हंड्रेड, फ्रेट 500, अंडरलाइन आउटर कॉलम 800, डन. सो डबल इफेक्ट हमने दे दिया. मूविंग अहेड, एडजस्टमेंट नंबर फाइव, चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%. सो 5% यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे. आप देख सकते हैं कि ड्राइंग के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सो वी कैन राइट ओवर हियर नील. 50,000 का 5% 2,500. तो यहां पर हम ऐड करेंगे, हमें मिलेगा 52,500, ठीक है. और ये जो इंटरेस्ट हमें पे करना है हमारे लिए एक्सपेंस है, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वी विल राइट ऑन द डेबिट साइड ऑफ पीएनएल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% अमाउंट 2,500, राइट.
एंड लास्ट वन गुड्स ऑफ रुपीज 2000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल. तो 2000 का गुड्स है. ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में हम पहले मेंशन कर देते हैं व्हाट वी विल राइट. बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल हाउ मच 2000. ये हमने ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में लिख दिया. और पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड में हम लिखेंगे 2 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल 2000. ओके सो डन विथ ऑल द एडजस्टमेंट पार्ट. मूविंग टूवर्ड्स कास्टिंग. So which side is more? Credit side is more, that is 74,000. Or debit mein hai 54,300. So first of all write on both the sides 74,000. Minus karenge debit side ka total and we will get 19,700 as gross profit. So 2 gross profit carried down. 19,000 700. इसे ब्रॉड डाउन करते हैं पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन अमाउंट 19,700. ओके चलो अभी पीएनएल अकाउंट को हम लोग यहाँ पर कास्टिंग करते हैं. आप देख रहे हैं क्रेडिट साइड इज मोर 25,140 से. डेबिट साइड है 18,530 जो हमें माइनस करना पड़ेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट बोथ द साइड 25,140 और माइनस करने पे जो फिगर मिलता है वो है 6,610. सो वी विल राइट टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन. अब ये 6,610 हम क्या करेंगे यहाँ पर ऐड करेंगे. तो टोटल क्या मिलता है 59,110. और इसी के साथ आप देख सकते हैं हमारा जो पर्टिकुलर बैलेंस शीट है वो 1,23,170 पे टैली हो गया. ओके सो डन फॉर द डे. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग. मिलते हैं अगले एपिसोड में विद सम सॉर्ट ऑफ न्यू क्वेश्चन. तब तक के लिए बाय बाय. शुक्रिया. शब्बा खैर. सायोनारा. बाय बाय एवरीवन.